हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई और हॉरर स्टोरी के साथ में। दोस्तों, आज की जो हॉरर स्टोरी है उसे सुनने के बाद ना सिर्फ आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बल्कि कुछ देर के लिए आपको डर का भी एहसास होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें हॉरर कहानी सुनने का बहुत शौक है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के रोहतक शहर से। रोहतक के कुछ ही दूरी पर एक गांव है। उस गांव में बहुत तरीके की कहानियां आज भी चल रही हैं। जैसा कि कहा जाता है कि आज भी भूत प्रेत जैसी चीजें इस दुनिया में है और वो चीजें हमारे साथ रहती है, लेकिन आज के समय के बहुत से युवा और नौजवान इन चीजों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। राहुल और नवीन दो दोस्त जो कि इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस अपने रोहतक शहर वापस जाते हैं। रोहतक से कुछ ही दूरी पर एक गांव है जहां पर वो दोनों रहते थे। वहां जाने के बाद उनको तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो कहानी सुनने के बाद दोनों ही बहुत हंसते हैं और वो इन बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि नवीन और राहुल दोनों का मानना था कि भूत और प्रेत जैसी बातें सिर्फ किताबों में होती हैं, सच्चाई में बिल्कुल नहीं होती। लेकिन वहां के बुजुर्ग और बूढ़े लोग हमेशा उसे समझाने की कोशिश करते थे कि ये सच है, और उन्होंने साथ में ये भी हिदायत दी कि गाँव से कुछ ही दूरी पर जो खंडर है वहां कभी भूल के भी ना जाए, क्योंकि उस खंडर पर ऐसा माना जाता है कि आज भी कोई आत्माओं का वास है। और बहुत से लोगों ने यह भी दावा किया है कि वहां पर अक्सर एक औरत को देखा गया है। लेकिन राहुल और नवीन दोनों ही मन मन वहां जाने का योजना बनाना शुरू कर देते हैं और एक दिन मौका पाकर वो उस खंडर की तरफ चल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वहां का मौसम बदलने लगता है। अचानक बहुत सारे बादल आ जाते हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। ये देख राहुल नवीन से कहता है कि अभी तो आसमान साफ था और दूर दूर तक कहीं भी बारिश का कोई अंदेशा नहीं था, लेकिन ये अचानक बादल कैसे आ गए? जिस पर नवीन हंसते हुए कहता है, लगता है तुझे भी अब डर लगने लगा है। और ये कहने के बाद दोनों हंसते हुए एक बार फिर उस खंडर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मौसम बिगड़ता चला जाता है। कहीं बिजली की गड़गड़ाहट तो कहीं तेज गड़गड़ाहट के साथ दूसरी तरह की आवाजें आने लगती हैं। तभी राहुल की निगाह एक लड़की पर पड़ती है जिसे देखने के बाद वो भौंचक्का रह जाता है। वो लड़की उनसे पूछती है कि मैं एक राहगीर हूं और यहां से भटक गई हूं, मुझे कोई रहने के लिए जगह चाहिए, क्या आप हमें कहीं ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहां पर ये बारिश रुकने तक मैं आराम से रह सकूं और उसके बाद आगे कहीं जा सकूं? तभी राहुल और नवीन के मन में कोई शैतान जागता है और सोचता है क्यों ना इस लड़की को भी इस हवेली के अंदर ही ले जाया जाए, साथ भी हो जाएगा और कुछ मजे भी हो जाएंगे। यही सोच वो लड़की को अपने साथ लेके उस खंडर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दरवाजा खोलते हैं और दरवाजे के अंदर जैसे भी जाते हैं तो देखते हैं कि एकदम आसमान साफ होने लगा। वो कहते हैं कि ये अचानक क्या हुआ, अभी तो इतने बादल थे और ये अचानक आसमान ऐसे कैसे साफ हो गया? तभी लड़की कहती है, घबराओ नहीं, कुछ दूरी चलने के बाद अब रात भी हो जाएगी। ये सुन दोनों थोड़ी देर के लिए भौचक्के रह जाते हैं कि ये लड़की क्या कह रही है, लेकिन फिर वो एक बार अनदेखा करके उस खंडर की तरफ को चल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो खंडर के अंदर कदम रखते हैं तो वो देखते हैं कि वो खंडर एक आलीशान कोठी के अंदर तब्दील हो गया है, जिसे देखने के बाद उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। राहुल और नवीन दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूं? वो दोनों हामी भरते हैं और तभी वो लड़की की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि वो लड़की उनके आसपास कहीं नहीं है और वो दोनों घबरा जाते हैं। जल्द ही राहुल और नवीन को एहसास हो जाता है कि उन दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है इस खंडर में आने के बाद। शायद उन लोगों की बात सच है कि यहाँ पर कोई आत्मा वास करती है। वो अभी ये सोच ही रहे थे तभी एक पीछे से एक खूबसूरत लड़की की आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़के देखते हैं तो वो वही लड़की होती है
जिसको वो अपने साथ अंदर लाए थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए। वो कहती है कि घबराओ मत, मैं यहाँ पर बहुत पहले से रहती आ रही हूँ और यहाँ के बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये तो सिर्फ एक बहाना था तुम्हें अंदर तक लाने का। तभी दोनों पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और हमें यहाँ अंदर क्यों लाई हो। वो बोलती है कि मैं यहाँ 500 साल से रह रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे इस खंडर के अंदर कोई आए, और तुम लोगों ने यहाँ आने का साहस दिखाया, इसलिए तुम्हें अब इस चीज की सजा मिलेगी। इतना बोलते के साथ ही वो खूबसूरत लड़की एक डरावने चेहरे में तब्दील हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही राहुल और नवीन के चेहरे उतर जाते हैं और उनके मुंह से जोरदार चीख निकल के वो इधर उधर भागने लगते हैं। वो लड़की कहती है कि तुम कहीं भी भाग लो, लेकिन मुझसे बच के आप नहीं जा सकते। मैं आज तुम दोनों को खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहां की सच्चाई कभी भी बाहर जाए। अब ये राहुल और नवीन को समझ आ चुका था कि उनका अंतिम वक्त पास आ चुका है, लेकिन उन लोगों ने तब भी अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखा और उन्होंने फैसला किया कि कुछ भी हो, हम इस खंडर से बाहर निकल कर रहेंगे। तभी इधर उधर भागते हुए अचानक वो एक टेबल से टकराते हैं और टेबल पर रखी हुई बुक जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर राहुल और नवीन थोड़ी देर को शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई एक मामूली बुक नहीं बल्कि उस बुक के कवर पे लिखा हुआ था कि यहां से बच के निकलने का उपाय। और वो दोनों जल्दी से उस बुक को उठाते हैं और जल्दी से पेज पलटते हुए उस पेज पर आते हैं जहां पर वो मंत्र लिखा हुआ था, और कुछ ही देर में वो उस मंत्र को पढ़ते हैं, और मंत्र पढ़ते के साथ ही अचानक वो एक आलीशान कोठी फिर से खंडर में तब्दील हो जाती है और जो रास्ते बंद हो गए थे वो खुल जाते हैं और दोनों दौड़कर बाहर निकल आते हैं। इस तरह से वो दोनों फिर कसम खा लेते कि कभी भी वे उस खंडर की तरफ ना तो जाएंगे और ना ही इस कहानी के बारे में किसी को बताएंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।